हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। और आज चर्चा का विषय है बृहस्पति ग्रह की। तो आइए जानें कि बृहस्पति ग्रह कितने इम्पोर्टेंट हैं। हमारे 9 ग्रहों में बृहस्पति को बहुत ही उच्चतम स्थान इनको दिया गया है। और ये हमारे बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ग्रह है। कहा जाता है कि अगर आपके कुंडली में अकेला बृहस्पति अगर बहुत ही योग कारक अगर है, बहुत ही वे स्ट्रांग अगर है, अकेला बृहस्पति ग्रह ही आपको हर तरीके की सुख और समृद्धि वो आपको देने के लायक हो जाते हैं और वो आपको देते भी हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे विवाह के कारक है, संतान के कारक है, धन संपत्ति के कारक है, धर्म के कारक है। आदमी इंसान जो है वो बड़ा धार्मिक होता है अगर बृहस्पति अगर आपके कुंडली में बहुत ही अच्छे अगर है तो। इसके अलावा आप कितने भाग्यवान हैं, कितना लक आपके जीवन में फेवर करेगा, ये सारी चीज़ें बृहस्पति से देखी जाती है। यह शौहरत, मान सम्मान, सफलता, ये सारी चीजें जो है वो बृहस्पति आपको देते हैं। हैप्पीनेस, ज्ञान, विजडम, नॉलेज, ये सभी के कारक बृहस्पति ग्रह ही होते हैं। और अगर वैदिक ज्योतिष की अगर बात करें तो देवताओं के भी जो टीचर जो है वो बृहस्पति ग्रह ही है। आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह कितने इम्पोर्टेंट हैं। और गुरु ग्रह किसी भी जन्म कुंडली में 2, 5, 9, 10 एवं 11 भाव का कारक माना जाता है। और इसके अलावा ये कारक हैं बैंकिंग सेक्टर के, न्यायालय के, ऐश्वर्य के, वेद के, चर्बी के, विद्या, पुत्र, तीर्थ यात्रा, बुद्धि, धार्मिक कार्य, दार्शनिक ज्ञान विज्ञान आदि के ये कारक ये ग्रह है। उसके बाद अगर दिन की बात करें तो गुरुवार का दिन इनका होता है, रंग पीला होता है। दिशा की अगर बात करें तो पूर्व की दिशा इनकी होती है। राशि स्वामी की बात करें तो धनु और मीन राशि के ये स्वामी हैं, जिनमें धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। मेटल की बात करें तो सोना, देव की बात करें तो साक्षात ब्रह्मदेव बृहस्पति के कारक वो गॉड होते हैं, देव होते हैं। कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि में ये नीच के होते हैं। महादशा अवधि की बात करें तो 16 वर्षों की अवधि होती है। और ऑक्यूपेशंस की अगर बात करें, व्यवसाय की अगर बात करें तो गुरु ग्रह से प्रभावित व्यक्ति टीचर बनते हैं, अध्यापक, आचार्य बनते हैं, वे न्यायाधीश बनते हैं, वकालत करते हैं, राजनीति में वे जाते हैं, अच्छा नेता वो बनते हैं, बड़े अच्छे अर्थशास्त्री वो बनते हैं। बैंकिंग सेक्टर इनके लिए बहुत ही बढ़िया होता है क्योंकि पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर में धन का ही लेन देन होता है। तो आप बैंकिंग सेक्टर में आपको जॉब मिलने की संभावना बहुत ही प्रबल हो जाएगी अगर गुरु ग्रह आपके कुंडली में बहुत ही पॉजिटिव है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी आप बन सकते हैं, आप लेखक भी बन सकते हैं। जितने भी स्पिरिचुअल गुरु जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बृहस्पति के प्रभाव में ही वे सारे लोग होते हैं। उनके कुंडली में बृहस्पति ग्रह बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही योगकारी होता है, जिसकी वजह से वे स्पिरिचुअल गुरु बनते हैं। और चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट नौकरी हो, एक तो बात तय है कि आप बहुत ही हाई रैंक ऑफिसर आप बन सकते हैं। इसके अलावा अगर बॉडी पार्ट्स की अगर बात करें तो पूरा का पूरा जो लीवर ऑर्गन है वो बृहस्पति रिप्रेजेंट्स करता है, और लार्ज इंटेस्टाइन भी। तो अगर आपका मैलेफिक अगर इन्फ्लुएंस रहा जुपिटर का,
गुरु ग्रह का आपके कुंडली में, तो लीवर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको हो सकते हैं, जैसे कि लीवर ही खराब हो सकता है आपको, जॉन्डिस हो सकता है, पाचन में गड़बड़ी आपको हो सकता है, डायबिटीज आपको हो सकता है, उसके बाद मोटापा जिसको इंग्लिश में ओबेसिटी कहा जाता है, कई लोग परेशान होते हैं अपने अपने मोटापा से ही, वो भी बृहस्पति की वजह से हो सकता है। अगर मारक है आपकी कुंडली में, आपको हर्निया का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, और ये बृहस्पति ग्रह टेंशन भी आपको वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बृहस्पति के विषय में बड़ा इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है, बड़ा दिलचस्प फैक्ट है कि कई लोग बृहस्पति को डायरेक्टली धन से जोड़ते हैं, जबकि ये डायरेक्टली धन से ये रिलेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि धन नहीं आता, धन आता है, लेकिन डायरेक्टली बृहस्पति ग्रह जो है वो धन के कारक नहीं है डायरेक्टली। ये व्यक्ति को बहुत सारा जीवन में अपॉर्चुनिटी ये देते हैं। अब व्यक्ति उन अपॉर्चुनिटीज को कितना वो भुनाता है और धन में कन्वर्ट करता है, ये व्यक्ति के ऊपर है। इसलिए ये डायरेक्टली ना सही, लेकिन इनडायरेक्टली धन के कारक हैं। ठीक है दोस्तों, और मेनली धन के जो कारक हैं कुंडली में वो शुक्र और शनि होते हैं, और खास तौर पे शनि, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में दशम जो कि कर्म का भाव माना जाता है, और एकादश भाव जो कि गेन इनकम का जो भाव जो माना जाता है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और इसलिए अगर शनि को रिलेट किया जाए डायरेक्टली धन से तो वो बहुत ही अच्छा है, ना कि जुपिटर डायरेक्टली धन से रिलेट है, ये इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है। अगर डायरेक्टली अगर 9 ग्रह की अगर बात करें तो वो शनि है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा जनरल एनालिसिस रहा बृहस्पति ग्रह के संबंध में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।